अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान ने यूट्यूब चैनल में। तो जिन भाइयों ने पाकिस्तान से चाइना की वैक्सीनेशन लगवा रखी है और सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं या ऐसे ममालिक में ट्रैवल करना चाहते हैं जहां पर चाइना की वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम उन तमाम लोगों को बूस्टर डोज लगाएंगे। किस शर्त पर लगाएंगे, कहां से आप लगवा सकते हैं, कितनी उसकी आपको फ़ीस देना पड़ेगी, कहां पे आपको वो फ़ीस पे करना पड़ेगी, सब इस न्यूज़ में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा आए तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान में आप मौजूद हैं और आपने चाइना की वैक्सीनेशन करवा के रखी हुई है, मतलब दोनों डोजें आपने चाइना की वैक्सीनेशन की करवाई हैं, तो आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अगर आपने चाइना की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और आपने किसी अदर वैक्सीन की दो डोजें लगवाई हैं तो आपको बूस्टर डोज नहीं लगेगी, याद रखें। उसके बाद आपको लगवानी कैसे है, ये मखसूस एरिया में मौजूद है, जैसे इस्लामाबाद लाहौर यहाँ पर ये मौजूद है, आप वहाँ जाके लगवा सकते हैं। उसके बाद आपने ये लगवानी कैसे, 1270 रुपये इसकी फ़ीस है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपको ये पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद आपको जाके इस्लामाबाद या लाहौर या जहाँ पे भी आपके पास अदर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से आप जाके लगवा सकते हैं। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग अगर चाइना की वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, दोनों डोजें आपने चाइना की वैक्सीनेशन की लगवाई हैं, तो आपको फिर ही बूस्टर डोज लगवाई जाएगी, अदरवाइज़ आपको नहीं लगाई जाएगी। मज़ीद न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।